Hi, this is Khushbu with another question of circles. This is example number 13 from Adi Sharma, page number 16.50. It says, in figure 16.97, find measure of angle PQB. This is PQB. So, we iska measure find karna hai. This is the angle. Iska. If O is the center of the circle, or circle ka center hume given hai O. So, sabse pehle agar hum dekhein, yahan se ये सर्कल का सेंटर है, सो दिस इज द डायमीटर बिकॉज सर्कल की सेंटर से पास कर रही है. सो अगर ये डायमीटर है, इसका मतलब कितना पोर्शन हुआ एक सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक. दिस इज अ सेमी सर्कल. और अगर ये एक सेमी सर्कल है तो ये कहते हैं कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल. सेमी सर्कल के अंदर बनने वाला एंगल होता है राइट एंगल. सो दिस इज अ राइट एंगल, 90 डिग्री का एंगल हुआ ये एंगल पी. So, इससे हम इस ए पी बी के अंदर ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं. हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे. तो सबसे पहले सिंस ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, इज द डायमीटर ऑफ सर्कल, देयरफॉर ये वाला एंगल, दिस एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री. रीजन हम लिखेंगे एंगल इन अ सेमी सर्कल, angle in a semicircle is a right angle. Is a right angle. अब अगर ये angle 90 degree का है तो हम इस triangle के ऊपर angles of profit लगाकर इसको find करेंगे. So in triangle APB, angle APB plus angle PBA plus angle BAP is equal to 180 degree. Reason, angle sum property. एंगल सम प्रॉपर्टी. सो यहां से हमारे पास ये वाला एंगल है 90, पी बी ए इज 42 एंड देन बी ए पी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो दिस इज 132 डिग्री प्लस एंगल बी ए पी इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल बी ए पी विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री. सो बी ए पी की वैल्यू यहां से आ जाएगी which will be 48 degree. So, ये वैल्यू हमारे पास आ गई बी ए पी की. दिस इज 48. अब अगर हम इस आर्क को कंसिडर करें, ये आर्क बी टी, इस आर्क बी टी से ये एक एंगल 48 डिग्री का बन रहा है और इसी आर्क से यहाँ पर एक ये एंगल बन रहा है दिस एंगल. और हमें पता है कि सेम सेगमेंट के अंदर बनने वाले एंगल्स आर इक्वल, दैट मीन्स ये दोनों एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हैं. दिस इज 48, तो ये एंगल भी 48 होगा. सो एंगल एंगल पी ए बी इक्वल होगा एंगल पी क्यू बी के इक्वल टू 48 डिग्री. रीजन, एंगल्स मेड इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, सेम सेगमेंट वाले इक्वल होते हैं. सो यहां पे हम लिखते हैं कंसिडर आर्क बी पी. बीपी को कंसिडर करके हमने बोला कि सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल्स आर इक्वल. सो दिस वाज एग्जांपल 13 फ्रॉम आदि शर्मा एंड डू वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर सम मोर क्वेश्चंस. गुड बाय.